सो आई एम अ स्पाइडर के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर वकाबा जो कि एक बुक पढ़ रही होती है, तो उसके पास एक लड़की आती है और जानबूझकर उसके बुक पर पानी गिरा देती है और कहती है कि मैंने पानी को गलती से गिरा दिया है। वकाबा उस लड़की को इग्नोर कर देती है। उसके बाद हम लोग को प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट जानवर फी चैन के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम हुगो होता है। हुगो रेनजेड एम्पायर का क्राउन प्रिंस है। तो हुगो कहने लगता है कि लगता है मुझे गॉड ने चुना है, मेरे टैलेंट को देखते हुए मुझे इस तरीके से रीइंकार्नेटेड किया है। और प्रिंस से पूछता है कि उसने सुना है कि उसका भाई एक हीरो है, तो प्रिंस बताता है हाँ तुमने सही सुना, और बताता है कि उसका भाई काफी ज्यादा ऑसम है, उसने विलेज को काफी सारे मॉन्स्टर से बचाया और डंजन को क्लियर किया है जिसपे लोग कहते हैं उनको क्लियर करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, और ए रैंक के मॉन्स्टर को भी उसने अकेले ही हरा दिया, और तुम मेरे भाई को ये भी कह सकते हो कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन है यहाँ पर। तो हुगो कहते हैं कि क्या स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन, तो प्रिंस दोबारा कहते हैं कि मेरा एक ड्रीम मेरे बड़े भाई की तरह बनना है एक दिन। तो हुगो कहने लगता है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन बनना है तो भूल जाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा एक बड़ा ड्रीम है, और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन बनने वाला हूँ किसी दिन, और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद फी चैन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो प्रिंस उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फी उसको बोलती है कि उसको लगता है कि उसे एक पनिशमेंट मिली है, जैसे तुम हो और हुगो हो उन लोगों के रीइंकार्नेशन वो ह्यूमन बने जबकि मैं तो ह्यूमन बनी भी नहीं हूँ। तो प्रिंस उससे पूछता है कि पनिशमेंट से तुम्हारा क्या मतलब है, तो फी बोलती है क्या तुम्हें याद है कि जिस तरीके से मैं वकाबा को अपनी क्लासरूम में बुली किया करती थी, और लगता है मुझे गॉड ने पनिशमेंट देकर मुझे इस पेट का रोल दे दिया है। तभी वहां पे उनकी क्लासरूम की सेंस से ओका चान वहां आ जाती है, तो फी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वकाबा मिली, कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला हो, तो ओका बताती है कि नहीं अभी भी हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो प्रिंस फी को कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी ठीक हैं वैसे वकाबा भी जहां पर भी होगी वो ठीक होगी। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर वकाबा द स्पाइडर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फ्रॉग से लड़ रही होती है। उसके पॉइजन उसकी कमर पर लग जाता है लेकिन वो उसको अपने वेब में फंसाकर लास्ट में मार ही देती है। उसके बाद उसका पॉइजन फैंग लेवल 2 का हो जाता है। तभी अचानक से वकाबा की बॉडी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और क्रैक भी होने लगती है। वकाबा को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वकाबा की बॉडी अपने आप ही रिकवर हो जाती है और उसकी स्मॉल लेजर टैरेट भी उसके लेवल 1 से लेवल 2 का हो जाता है। वो सोचने लग देती है कि क्या मैं अभी मोल्ट हो गई हूँ। तभी उसकी जो स्किल होती है उसको बोनस मिलना शुरू हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी को देखती है और कहती है कि लगता है लेवल अप होने की वजह से उसकी बॉडी चेंज हो गई है, मुझे काफी ज्यादा अब लाइट फील हो रहा है और मेरी आंख में अब दर्द भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लेवल अप होने से तुम कम्प्लीटली रिस्टोर हो सकते हो। फिर वो वापस अपने घर में आ जाती है और कहती है कि एक वीडियो गेम की तरह है और मुझे अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट अब हो रही है। तभी उसके जो वेब होता है वो हिलने लग जाते हैं। तभी वो देखती है कि लगता है कि उसके वेब में कोई फंस चुका है। जब उसके पास जाके देखती है तो देखती है कि उसके वेब में एक ह्यूमन फंसा होता है जिसके हाथ में एक एग होता है। उस इंसान के हाथ में से एक बोतल गिर जाती है और वहां पर आग लग जाती है। वकाबा अपने वेब को काट देती है जिसके कारण से वो ह्यूमन वहां से बचकर बाहर निकल जाता है, लेकिन वो उस एग को वहीं छोड़ देता है। वकाबा का हाउस जलने लगता है तो वो सोचती है कि उसका हाउस अभी सिक्योर नहीं है, तो अब टाइम आ गया है कि मुझे अपने हाउस को एक्सपेंड करना होगा। तभी वो स्टोन के और अपने वेब का यूज करके एक पिकेक्स बनाती है जिससे कि वो अपने घर को रेनोवेट करना शुरू कर देती है। काफी टाइम होने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करती है और अपने घर को फाइनली कम्प्लीट कर लेती है। उसने अपने घर के अंदर एक किचन बनाया, एक लिविंग रूम बनाया और उसके सबसे बड़ी इनोवेशन जो कि उसका एक बेडरूम। वो कहती है कि उसके बेडरूम में उसने वेब लगा दी है, तो अगर कोई भी बाहर कोई भी हलचल होगी तो मुझे उससे पता चल जाएगा। उसके बाद वो बेड पे बैठी होती है और मजे कर रही होती है। तभी उसको भूख लग जाती है तो कहती है कि क्यों ना मैं अपने हाउस अपग्रेड को एक चीज से सेलिब्रेट करूं जो कि कुछ स्पेशल ही है, जो कि मैंने अपने एक स्पेशल ओकेजन के लिए छुपा के रखा हुआ था। तभी वो उस एग के पास आती है और कहती है कि अगर वो ह्यूमन अपनी लाइफ को इस तरीके से जान में जोखिम डाल के इस एग को ले जाने वाला था तो पता नहीं क्या इस डिलीशियस इसके अंदर चीज होगी। तभी उसके ईविल इरादे आ जाते हैं सामने और कहती है कि चलो इसको तोड़ा जाए, और जैसे वो उस एग के ऊपर हाथ मारती है उसी के हाथ पे चोट लग जाती है क्योंकि वो एग काफी ज्यादा सख्त होता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगर मेरा साइज छोटा है तो कोई बात नहीं, मैं एक सिंपल स्पाइडर नहीं हूँ, मैं पहले ह्यूमन रह चुकी हूँ। तो वो अपने वेब से उस एग को उठा के ऊपर से नीचे फेंक देती है लेकिन फिर भी एग नहीं टूटता है। तो तभी वकाबा की अप्रेजल स्किल लेवल 2 की हो जाती है और उसके स्पीसीज को नाम बताने लगती है जिसमें उसको बताती है कि वो काफी ज्यादा स्मॉल है और लेसर है, तो वो अप्रेजल का यूज करती है। अप्रेजल से पता लगता है कि उस एग के अंदर अर्थ व्रिम का एग है।
एक ड्रैगन है वो, तो वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर में आ जाती है और कहती है कि मैं इस एग को वापस बाद में कभी आके तोड़ दूंगी। तभी वो अपने घर में इंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके थ्रेड रिएक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर एक नहीं है और भी काफ़ी सारे लोग हैं। वो वहाँ जाके देखती है तो देखती है कि वहाँ पर आग लगी हुई है और कुछ ह्यूमन वहाँ पर आ रहे हैं। तो वो कहती है कि लगता है ये मुझे मारने आए हैं, मेरे पास अब दो ही चॉइस है, या तो मुझे यहाँ से भागना होगा या फिर ये ह्यूमन्स मेरे को मार देंगे। तो वकब वहाँ से भागने का डिसाइड करती है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर भागकर आ जाती है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो कहती है कि मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये कितना ज़्यादा बेकार है कि मैं सिर्फ भाग ही सकती हूँ और मुझे अब पता चला कि मैं कितनी ज़्यादा वीक हूँ। मेरी पिछली लाइफ में मैं कहीं पर भी बिलोंग नहीं करती थी, ना ही मेरे स्कूल में, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मुझे एक जगह तो मिली थी जहाँ पर मैं बिलोंग कर सकती थी, लेकिन वो वुमेंस ने आकर मुझसे वो जगह छीन ली और मैं वहाँ से भाग रही हूँ। मैं अब कभी दोबारा नहीं भागना चाहती हूँ, मैं और ज़्यादा ताकतवर होना चाहती हूँ ताकि और कोई मुझसे कोई कुछ भी ना ले सके, और स्ट्रांग होने के लिए मुझे कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो वकब स्ट्रांग होने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाती है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। काफ़ी दिन हो जाते हैं और वो वहाँ बैठी होती है और वो कहती है कि इतने लास्ट डेज में मैंने इतना ज़्यादा मॉन्स्टर बैटल किया है, अब मुझे इससे पता लग गया है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। तभी अप्रेजल वकब के स्टेटस को बोलने लगता है, जिसका स्टेटस होता है काफ़ी ज़्यादा वीक। तो वो कहती है कि तुम मुझे वीक क्यों कह रहे हो, सारी बातें लड़ाई के तरीके से आती है, मैं भले लास्ट में जी जाती हूँगी लेकिन मेरी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मैं पहले अपने शिकार को अपने वेब में फंसाती हूँ और उसके बाद उनको पॉइजन फैंग में लाकर मार देती हूँ, कैसे प्रूव होता है कि मैं सिर्फ कमज़ोर हूँ। जीतने के बाद भी मेरे स्टेटस अभी भी वीक है, अगर मैं अपने पिछले बैटल को देखूँ तो मैं सिर्फ अपने वेब और अपने पॉइजन फैंग के बलबूते से ही हर बैटल को जीती हूँ। लेकिन अब सिर्फ ये एक क्वेश्चन रह गया है कि मैं अपने वेब से उनको कैसे हराऊंगी, उनको कैसे रोक सकूंगी, मुझे उसको कैसे भी करके फिगर करना पड़ेगा और मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस लैबरिंथ के अंदर ताकि मैं अपने लड़ाई के तरीके को चेंज कर सकूं। मुझे इसके ऊपर स्नीक अटैक करना होगा। तो वकब एक मॉन्स्टर के पास जाती है और उसको अपने वेब से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और कहती है कि मुझे इस तरीके से अपने वेब का लगता है यूज़ करना होगा। वो इस कीड़े से लड़ रही होती है, तभी उसको अजीब सी आवाज़ आती है तो उसको जाकर देखती है तो उसके अप्रेजल में काफ़ी सारे मॉन्स्टर के नाम एक साथ याद आते हैं, जिसके कारण से उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है और उसकी अप्रेजल लेवल 5 की हो जाती है। तो वो देखती है कि कुछ उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, तो वो देखती है कि जैसे मॉन्स्टर उसने पहला हराया था वही उसके पीछे काफ़ी सारे तादाद में आ रहे हैं। तो वो दौड़ने लगती है और उसका SP यानी कि स्टेमिना कम होने लगता है और वकब कहने लगती है अगर मुझे यहाँ मरना नहीं है तो मुझे यहाँ पर भागना होगा, चाहे भले ही मेरा स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा कम हो। उन मॉन्स्टर से बच के वकब काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाती है, वो अपने वेब के अंदर बैठी होती है और कहती है कि लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट हूँ। मॉन्स्टर के पास भी सर्वाइव करने की काफ़ी ज़्यादा ट्रिक होती है, वो मॉन्स्टर ग्रुप के साथ साथ एक साथ हमला मेरे ऊपर कर रहे थे लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो सिर्फ किसी को वेब में बांध कर अपने पॉइजन का यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास यही स्ट्रेटेजी है और अब मुझे पता लग गया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट हूँ। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं अपनी क्विकनेस का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करूँ जब मैं अपने वेब को फेंकूँगी, लगता है कि मुझे न्यू स्ट्रेटजी अब मिल चुकी है लड़ने के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं रेस्ट करना चाहूँगी। और वकब थोड़ी देर में ही वहाँ पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वकब की आँख खुलती है तो वो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन कुछ ना कुछ जो भी अब होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तभी एक काफ़ी बड़ा सांप जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था वकब के सामने आ जाता है। तो वकब देखती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसका लेवल भी लेवल 9 है, अगर मैंने इसे डायरेक्ट लड़ने की कोशिश करी तो इसका मतलब तो है कि मैं हार जाऊंगी। तभी स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है, वकब उसके अटैक को डोज करके दीवार पे आने आ जाती है। वो कहती है कि इसके वेब और दीवार मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे स्नैप से भागना होगा, लेकिन नहीं मैं नहीं भागने वाली हूँ, मुझे अब अपनी फाइटिंग स्टाइल के बारे में अब पता चल गया है, मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें सीखी है मैं सारी चीज़ें लगा दूंगी इस स्नेक को हराने के ऊपर। तभी अपने वेब का यूज़ करके उस स्नेक के मुंह को ढक देती है और कहती है कि मैं दोबारा से इसको हरा दूंगी, भले ये सांप मेरे वेब को तोड़ सकता है लेकिन मेरे वेब इसको थोड़ी देर के लिए कमज़ोर तो करेंगे। तभी वकब और भी ज़्यादा वेब बना के उसको अपनी तरफ इशारे करके बुलाती है और कहती है कि ये सांप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फास्ट है, ये चीटिंग लग रही है मेरे ऊपर, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं अभी तेज़ हूँ। वकब उस काफ़ी ज़्यादा बड़े स्नेक के अटैक को डॉज करती रहती है हर बार और कहती है कि लगता है मुझे अब ओपनिंग मिल गई है और अब मैं इस सांप का हमेशा के लिए मुंह बंद कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो स्नेक वकब के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करते हैं, जिससे वकब जाकर दीवार पर लगती है और उसकी HP भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है।
स्नेक वापस से वाकाबा के ऊपर अटैक करता है और वाकाबा कहती है कि तुम मुझे इस बार नहीं हरा सकते हो। वाकाबा उसके अटैक को डॉज करके उसको काटती है, लेकिन अभी भी वो स्नेक मरता नहीं है। वाकाबा की HP और स्टेमिना दोनों कम होने शुरू हो जाते हैं, तो वो कहती है कि अब तो मार जाओ, और काफ़ी ज़्यादा जोर से और बाइट करती है, जिससे कि वो स्नेक से काफ़ी ज़्यादा अब ईजिली जी जाती है और खुश होकर कहती है कि तुम फिर भी लड़ सकते हो भले तुम वीक हो। तभी वाकाबा लेवल 10 की हो जाती है और वो वापस से मोल्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसकी स्किल और सारी चीज़ें अपग्रेड होनी शुरू हो जाती है और वो लेवल 10 की हो जाती है। तो वो कहती है कि अपने स्ट्रॉन्गर लेवल के बंदों को हराने से लगता है काफ़ी ज़्यादा लेवल मिलता है, और या तो शायद ये मेरा हार्डवर्क का मेरे को रिवॉर्ड मिल चुका है। तभी उसकी अप्रेजल उसको कहती है कि वो अब इवोल्व हो सकती है। वाकाबा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो स्मॉल टेरा टेक ले या फिर लेजर टेरा टेक ले इवोल्व होने के लिए। ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, तो उसको डिसीजन साफ साफ लेने पड़ेंगे। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कौन से डिसीजन ले। तो वो सोचती है कि अगर लेसर लेगी तो लगता है वो अपनी स्पीसीज में रहेगी और शायद से ग्रो भी करेगी, लेकिन स्मॉल होगी तो लगता है उसको एडवांस स्पीसीज भी मिल सकती है। तो कहती है कि चलो मैं स्मॉल टेरा टेक के साथ चलूँगी, और शायद से मुझे ट्रबल भी होगी अगर मैंने अपनी एबिलिटी एजिलिटी और स्पीड को छोड़ दिया तो। तभी वो स्मॉल टेरेटिक में इवोल्व होने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर ही गिर जाती है। एपिसोड के एंडिंग में दिखाया जाता है प्रिंस को, जो कि स्पीसीज की बुक पढ़ रहा होता है। वो फी को कहता है कि इस बुक को देखो, तो फी उससे पूछती है कि क्या है। तो प्रिंस उसको बताता है कि लगता है अर्थ ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे में इवोल्व हो सकते हैं, और उसको बुक में दिखाता है और कहता है कि अगर तुम लोग इवोल्व होने वाले हो कि तुम इसको समथिंग ये वाला क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कूल और टफ लग रहा है। तो फी कहती है उसको कि तुम्हें लगता है कि एक लेडी सुपर कूल और टफ बनना चाहेगी। तो प्रिंस कहता है शायद नहीं, मुझे माफ़ करना। तो फी कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी एक ड्रैगन ही हूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो प्रिंस फी को बताता है कि उसने सुना है कि अर्थ ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं वुड्स में कैंपस के पास, जो कि कुछ बुरी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो फी कहती है ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि उसने सुना है कि उसकी स्पीसीज भी कुछ लोगों को मार रही है, और वो होप करती है कि और कोई भी ज़्यादा कोई भी हर्ट ना हो। और एपिसोड 2 हो जाता है यहीं पर ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करके जाना, चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को भी लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।